हेलो दोस्तों, मैं तारिक मलिक आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ऑप्टोमेट्री विद तारिक पर। आज हम बात करने वाले हैं क्या होते हैं फ्रेम पार्ट्स और कौन कौन से तरीके के फ्रेम्स पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से तरीके से पाए जाते हैं, किन मटेरियल से वो बनते हैं और उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं हम पहले बेसिक पार्ट्स की। इससे पहले कि हम देखें कि फ्रेम्स में कौन कौन से अलग पार्ट्स और कौन कौन से अलग टाइप्स होते हैं, उससे पहले एक बेसिक फ्रेम के टाइप्स या फिर बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं हम जान लेते हैं। फ्रेम को दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पहले हम कहते हैं फ्रेम फ्रंट, मतलब फ्रेम का आगे का हिस्सा, और जिसमें ये पार्ट्स होते हैं। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें हम शील्ड, ब्रिज, नोज पैड, एंड पीस कहते हैं, और जो पूरा लेंस को होल्ड करता है उस पूरे पार्ट को हम कहते हैं आई वायर या फिर रिम। बात करते हैं सबसे पहले आई वायर रिम की। ये वो हिस्सा है जो आपके लेंस के कांटेक्ट में होता है और लेंस को अपनी जगह पर पकड़ के रखता है। अब बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज वो पार्ट है जो दो आई वायर या रिम को एक साथ जोड़कर रखता है, मतलब ये वो पार्ट है जो आपके नाक के ऊपर रेस्ट करता है या फिर नाक पर बैठता है। अब दूसरा हो फिर तीसरा पार्ट है नोज पैड। नोज पैड वो पार्ट है जो आपके नाक के साइड के हिस्सों पर रेस्ट करते हैं ताकि फ्रेम प्रॉपरली प्लेस्ड रहे। चौथा है आपका एंड पीस। एंड पीस वो हिस्सा है जहां पर आकर आपके टेम्पल्स जॉइंट होते हैं, और शील्ड उस पार्ट को कहा जाता है जो मेटल का एक बिड लगाया जाता है जहां पर आकर आपका टेम्पल जॉइंट हो सके। अब बात करते हैं टेम्पल्स की, जो कि साइड के पार्ट्स हैं जो आपके कान के ऊपर रेस्ट करते हैं और आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी देते हैं। शील्ड या फिर अगर हम शील्ड से स्टार्ट करें तो टेम्पल में स्टार्टिंग आपका जो है वो बट पोर्शन से होता है। बट पोर्शन वो हिस्सा है जो आपके फ्रेम फ्रंट के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पर आपका शील्ड डबल होल और आपका जो स्क्रू है वो प्लेस्ड होता है। बट पोर्शन से लेकर जहाँ पर आपका ये टेम्पल बेंड होता है उसे कहा जाता है शाफ्ट या फिर शैंक। शाफ्ट का सीधा मतलब होता है एक लंबी सी आपकी कोई भी चीज़ या फिर जो दो हिस्सों को जोड़ती है। यहाँ पर अगर आप और नीचे जाएंगे बेंड से लेकर आपके टेम्पल के एंड तक, इस पार्ट को कहा जाता है ईयर पीस। ईयर पीस आपके कान के कॉन्टैक्ट में या फिर आपके कान के पीछे रेस्ट करता है। ये जो है ये है आपके टेम्पल के बेसिक पार्ट्स। तो चलिए अब इन पार्ट्स को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। फ्रेम कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से अलग टाइप्स के फ्रेम्स पाए जाते हैं, मटेरियल के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से। इसमें पहला जो है इसे हम कहते हैं आपका जो माउंटिंग फ्रेम। माउंटिंग का मतलब होता है किसी एक लेंस के ऊपर जब फ्रेम को डायरेक्टली माउंट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है यहाँ पे कोई आई वायर या फिर आई रिम प्रेजेंट नहीं है, और जो फ्रेम है वो डायरेक्टली आपके लेंस के ऊपर फिट किया गया है, जिसे हम कहते हैं माउंटिंग। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रिमलेस या फिर थ्री पीस फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर आपके पूरे फ्रेम में टोटल तीन पीसेज हैं, जो कि है दो टेम्पल और एक आपका है नोज ब्रिज या फिर आपके नोज पैड वाला हिस्सा। दूसरा है जिसे हम कहते हैं फुल फ्रेम्स। सो यहाँ पर इन्हें कहा जाता है फ्रेम्स क्योंकि आपका यहाँ पर आई वायर रिम जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको जो दिखेगा जो लेंस है वो आई वायर रिम या फिर इसके वजह से अपनी जगह पर है, और यहाँ पर फ्रेम को डायरेक्टली लेंस के ऊपर फिट नहीं किया गया है, बल्कि फ्रेम जो है वो लेंस के आसपास टाइटली बैठा हुआ होता है। तो ये है दो मेन टाइप आपके फ्रेम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, एक जिसे हम कहते हैं फ्रेम्स और एक जिसे हम कहते हैं माउंटिंग्स। अब हम बात करेंगे अलग अलग फ्रेम टाइप्स की। ये जो फ्रेम है इसे हम कहते हैं आपका प्लास्टिक फ्रेम्स।
अब प्लास्टिक फ्रेम्स जो होते हैं, इसमें आपका फ्रेम फ्रंट जो है पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ होता है और इसमें कोई भी पार्ट मेटल का नहीं होता है सिवाय इसके एंड पीसेस के। एंड पीसेस के वहाँ पे मेटल की शील्ड पाई जाती है जहाँ पर आके आपका टेम्पल जॉइंट होगा। जनरली आपके जो प्लास्टिक फ्रेम्स होते हैं ये फुल वायर होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके चारों लेंस के चारों तरफ एक आई वायर या फिर रिम प्रेजेंट है जो कि आपकी प्लास्टिक की है। एक और चीज़ जो है प्लास्टिक फ्रेम्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके फिक्स नोज पैड्स है, यहाँ पे आपके मूवेबल नोज पैड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट फ्रेम का टाइप जो है उसे हम कहते हैं मेटल फ्रेम्स। मेटल फ्रेम में आपका पूरा फ्रेम जो है जनरली आपका फ्रेम फ्रंट और टेम्पल मेटल से बना हुआ होता है। टेम्पल्स हालांकि कभी कभार प्लास्टिक से कवर्ड किए जाते हैं ताकि आपका जो मेटल है वो स्किन से रिएक्ट ना करे और आपको ज़्यादा कंफर्ट दे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके मूवेबल नोज पैड्स पाए जाते हैं जिन्हें चेंज कर सकते हैं। ये जो दो एग्जांपल्स है ये है आपके मेटल फ्रेम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका जो फ्रेम फ्रंट है पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है। अगला जो टाइप है इसे हम कहते हैं नायलॉन कॉर्ड फ्रेम्स। नायलॉन कॉर्ड फ्रेम्स को एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सुपरा फ्रेम्स। सुपरा इसे इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो सिर्फ सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और नीचे की तरफ एक नायलॉन कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो नीचे से आपके लेंस को होल्ड करता है। यहाँ पर आपको एक सेमी रिमलेस टाइप दिखने मिलता है जहाँ पे कि आपको स्ट्रेंथ वाइज पूरी तरह से एक रिम मिलता है बट नीचे की तरफ आपको रिम नहीं दिखता है, जिसके वजह से फ्रेम का वेट काफ़ी हद तक फुल फ्रेम के कंपैरिजन में कम हो जाता है। प्लस इसमें आपको आपका शेप बड़ा या फिर छोटा करने का भी ऑप्शन रेडीली अवेलेबल होता है। अगला है जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन फ्रेम्स। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर मेटल और प्लास्टिक दोनों का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो फ्रेम्स है इसमें कुछ पार्ट जो है वो आपके प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और कुछ पार्ट जो है वो मेटल के। जैसे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जो अगर आप देखेंगे वो प्लास्टिक का फ्रेम है पर नीचे का जो रिम है वो मेटल का है, या फिर अगर मैं कहूँ ये आई रिम की जो केसिंग है ये कम्प्लीटली मेटल की बनी हुई होती है और आपका जो ब्रिज है वो भी मेटल का होता है पर आपके एंड पीसेस और सुपीरियर पार्ट जो है वो प्लास्टिक से भी कवर्ड होते हैं। इन्हें कहा जाता है आपका कॉम्बिनेशन फ्रेम्स। अब बात करते हैं दूसरे फ्रेम की जिसे हम कहते हैं हाफ आई फ्रेम। हाफ आई फ्रेम जो होते हैं ये आपके छोटे फ्रेम्स होते हैं जो जनरली हम रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें हाफ आई इसके लिए कहा जाता है क्योंकि रीडिंग करते समय इस चश्मे को जनरली हम ऑलमोस्ट रीडिंग डिस्टेंस में थोड़ा नीचे की तरफ पहनते हैं, जिसे हम हाफ आईज भी कहते हैं, ताकि पेशेंट जो है ऊपर की तरफ से डिस्टेंस का देख सके और नीचे देखने पर उसकी जो नज़र है रीडिंग से जा सके। इसे हम कहते हैं हाफ आई फ्रेम्स। आखिरी फ्रेम है आपका रिमलेस या फिर थ्री पीस फ्रेम, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर इसे रिमलेस इसके लिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी आई वायर या रिम प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर जो पूरा फ्रेम है वो तीन पीसेस में बटा हुआ है, जो कि है दो टेम्पल और एक है ब्रिज। ये जो फ्रेम है इसे हम सेमी रिमलेस भी कहते हैं। अब ये फ्रेम्स बहुत ही कम पाए जाते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती कंपेयर्ड आपकी जो अदर फ्रेम्स है। इसे सेमी रिमलेस इसके लिए कहा जाता है क्योंकि हालांकि ये तो फ्रेमलेस है जहाँ पे कि आपके रिम जो है प्रॉपरली लेंस के आसपास नहीं है, ये बस एक शो के लिए दिया जाता है सो दैट आपको यहाँ पर पर्टिकुलर हाफ रिम का लुक पाया जाए, पर लेंस जो है आपके दो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फिक्स किया हुआ होता है। इसे फिट करना भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ऊपर के रिम के साथ आपका शेप प्रॉपरली मैच होना चाहिए, साथ ही में इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रू फिटिंग पाए जाते हैं जो कि विद टाइम आपका जो है लूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यू माउंट फ्रेम। न्यू माउंट फ्रेम बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये जो फ्रेम्स है ये सिर्फ एक लेंस पर ही कम्प्लीटली पाए जाते हैं, जो कि अगर आप देख सकें सिर्फ नेजल साइड में प्रेजेंट है। न्यू माउंट फ्रेम पे ये पूरा लेंस आपका एक पर्टिकुलर स्क्रू पे टाइट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से इस लेंस की स्टेबिलिटी और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाती है, अलाइनमेंट के इश्यूज बहुत पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिज एरिया की।
इसमें हम देखेंगे कि जो आपका नोज ब्रिज एरिया है वो कितने डिफरेंट टाइप्स का आता है और उन्हें क्या क्या नामों से बुलाया जाता है। पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक ब्रिजेस की। प्लास्टिक ब्रिजेस का मतलब होगा यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो आपके प्लास्टिक मटेरियल या फिर प्लास्टिक फ्रेम में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है सैडल ब्रिज। सैडल का सीधा मतलब अगर मैं कहूँ, जो घोड़े के ऊपर जीन रखी होती है या फिर जिस पर घुड़सवार बैठता है उसे हम सैडल कहते हैं, जो कि एक कर्व्ड शेप में बना हुआ होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो शेप है ये उसी तरह से है जैसे कि घोड़े की पीठ, जो कि हम सैडल भी कहते हैं, तो इसको सैडल शेप कहा जाता है। सैडल शेप में आपका कोई भी एक्सटेंशन नहीं पाया जाता और यहाँ पे आपका आई वायर या फिर रिम जो है वो ही आपका ब्रिज की तरह एक्ट करता है। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं मॉडिफाइड सैडल ब्रिज। मॉडिफाइड सैडल ब्रिज में क्या होता है कि आपका जो आई वायर के साइड्स में है, जो पार्ट आपके नाक के साइड्स में कांटेक्ट पर रहेगा, वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड पार्ट दिया जाता है ताकि आपके नाक के ऊपर रेस्टिंग का जो एरिया है वो थोड़ा और बढ़ जाए और जो आपका चश्मा है वो और ज़्यादा स्टेबल और लेस प्रॉब्लमेटिक रहे। तीसरा है की होल ब्रिज। की होल नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक की होल का अपियरेंस है। ये जो अपियरेंस है इसे हम कहते हैं की होल अपियरेंस या फिर की होल ब्रिज। इसमें एक एडवांटेज आपका है, जब ये पेशेंट चश्मा पहनता है तो उसके नेजल क्रेस्ट या नाक के ऊपरी हिस्से और ब्रिज में थोड़ा सा गैप रह जाता है, जिसके वजह से वेंटिलेशन या फिर हवा का पासेज इजीली होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट जब भी प्लास्टिक फ्रेम पहनता है तो उसके नाक की तरफ जो है फॉग आने लगता है, जो कि आपके टाइट चश्मे की फिटिंग की वजह से बहुत बार पाया जाता है। की होल ब्रिज आपको ये एडवांटेज देता है कि यहाँ पर से जो है आपका एयर इजीली पास होगा और यहाँ पे कंडेंसेशन या फिर फॉगिंग इफेक्ट आपका उतना नहीं आएगा। हम बात करेंगे मेटल ब्रिजेस की। मेटल ब्रिज वो ब्रिजेस होते हैं जहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज एरिया को बनाने में। इसमें पहला तो है आपका पैडेड ब्रिज। पैडेड ब्रिज का मतलब होता है जहाँ पर आपके प्लास्टिक के पैड्स को यूज़ किया जाता है और उन्हें एक मेटल एक्सटेंशन जो कि ब्रिज से आता है उस पर अटैच किया जाए। ये प्लास्टिक के पैड्स एडजस्टेबल और चेंजेबल होते हैं। नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं आपका कंफर्ट ब्रिज। कंफर्ट ब्रिज का मतलब होता है ये जो है ये एक तरह से एक प्लास्टिक का सैडल है जो मेटल के ऊपर आप फिक्स कर सकते हो और समय आने पर इसे चेंज भी किया जा सकता है। आखिरी है जिसे हम कहते हैं मेटल सैडल ब्रिज। ये सबसे पहले फॉर्म ऑफ मेटल ब्रिजेस थे जो कि आपके रीडिंग ग्लासेस में कॉमनली पाए जाते थे। ये एक मेटल का पार्ट को दो आई वायर को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसे कर्व्ड स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि ये आपके नाक के ऊपर प्रॉपरली फिट हो सके। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये आपके नाक के ऊपर एक बहुत गहरा मार्क देता है क्योंकि ये मेटल है और पूरे चश्मे का भार जो है वो आपके आँख आपके नाक के ऊपर डायरेक्टली मार्क के जैसा दिखता है। हम बात करेंगे एंड पीस की। एंड पीस का मतलब होता है जो आपके टेम्पल जहाँ पे आके ज्वाइंट होते हैं। पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक एंड पीसेस की। तो प्लास्टिक एंड पीसेस में एक तो होता है जिसे हम कहते हैं मिट्रे एंड पीस। मिट्रे एंड पीस उसे कहा जाता है जहाँ पर आपका फ्रेम फ्रंट और आपका टेम्पल आकर 45 डिग्री पर मीट करे। 45 डिग्री मतलब आपका जो टेम्पल है वो आके क्रॉस होकर आपके फ्रेम फ्रंट पे एक पर्टिकुलर एंगल पे जॉइंट होगा। यहाँ पर जो मिट्रे एंड पीस है इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका टेम्पल या फिर आपका फ्रेम फ्रंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपका जो टेम्पल है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा या फिर प्रॉपरली जो ओपन है वो बहुत वाइड हो जाएगा, जो कि आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं बट एंड पीस। बट एंड पीस में जो होता है आपका जो पर्टिकुलर फ्रेम फ्रंट है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है और आपका टेम्पल आकर इसे 90 डिग्री पर मीट करता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ पर आके 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आखिरी है जिसे हम कहते हैं टर्न बैक एंड पीस। टर्न बैक एंड पीस में क्या होता है कि आपका जो फ्रेम फ्रंट है वो बेंड होकर पीछे की तरफ जाता है और टेम्पल जो है आके स्ट्रेट 180 डिग्री की लाइन पे अटैच होता है। यहाँ पर आपका जो टेम्पल और फ्रेम फ्रंट है दोनों एक सीध पे है, तो यहाँ पर आपका एडवांटेज ये यह है, यहाँ आप उसे
पर्टिकुलरली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आपका फ्रेम जो है ज़्यादा ओपन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर इस पार्ट पर फाइल करने पे ये जो आपका टेम्पल है वो और ज़्यादा ओपन होगा और आपका फ्रेम जो है और वाइड ओपन हो सकता है। नेक्स्ट है मेटल एंड पीसेस। मेटल एंड पीसेस में जो है ये मेटल फ्रेम के एंड पीसेस होते हैं। इसमें एक टाइप तो है आपका मेटल टर्न बैक एंड पीस, जैसे कि हम लोगों ने देखा आपका प्लास्टिक में जैसा होता है, आपका फ्रेम से ही एक पर्टिकुलर पार्ट को बेंड करके पीछे की तरफ किया जाता है और टेम्पल जो है आकर स्ट्रेट मीट होता है, जिसे हम कहते हैं मेटल टर्न बैक एंड पीस। और दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल वन पीस। अब ये जो है यहाँ पर कोई एंड पीस नहीं है, ये जनरली आपके सिलवेट करके जो फ्रेम होते हैं या फिर कॉमनली जो हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्रेम्स या फिर रिमलेसेस, जहाँ पर कोई एंड पीस नहीं होता और आपका डायरेक्टली जो टेम्पल है वो आकर आपके फ्रेम पर जॉइंट होता है। अब हम बात करेंगे टेम्पल की, या फिर जो पार्ट आपके कान से लेकर आपके फ्रेम फ्रंट को जॉइंट करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एक टेम्पल में अलग अलग पर्टिकुलर आपके पार्ट्स होते हैं, जो कि एक होता है बट पोर्शन, एक होता है शाफ्ट, ये एक होता है बेंड और एक होता है ईयर पीस। बट पोर्शन में जो होता है आपका एक होता है शील्ड, वो मेटल पार्ट जो आपके पर्टिकुलर एरिया देता है आपके स्क्रू को अटैच होने के लिए और डबल होल स्क्रू को अटैच करने के लिए होता है। शाफ्ट होता है वो पार्ट जो आपके बट पोर्शन से लेकर बेंड तक होता है, और बेंड के नीचे की तरफ जो पार्ट है वो होता है आपका ईयर पीस। अब बात करते हैं टेम्पल अलग अलग टाइप्स और उनके यूजेस का। पहला जो है यहाँ पर ए, ये है आपका स्कल टेम्पल। कॉमनली अगर आप देखेंगे आपके जनरली मेटल और प्लास्टिक फ्रेम्स में यही टाइप का टेम्पल पाया जाता है, इसे कहते हैं स्कल टेम्पल। स्कल टेम्पल जो है वो इजीली बेंडेबल है, आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो जैसा कि आपको जितना बेंड चाहिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेंड करके उसे चेंज कर सकते हो और उसका एंगल कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेकेंड जो है इसे हम कहते हैं लाइब्रेरी टेम्पल। ये स्ट्रेट होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जनरली पेशेंट्स हाफ आई चश्मा पहनते हैं या फिर रीडिंग के लिए पहनते हैं, सो उनका चश्मा इजीली नीचे या ऊपर की तरफ मूवेबल होना चाहिए, या फिर बहुत बार वो जो है वो सर के ऊपर रखते हैं, जिस वजह से ये एक स्ट्रेट टेम्पल है। तीसरा है कन्वर्टेबल टेम्पल। कन्वर्टेबल टेम्पल इसके लिए कहा जाता है बिकॉज इस टेम्पल को आप इजीली राइट या फिर लेफ्ट जिस साइड के लिए भी चाहिए आप इसको अगर बेंड कर दोगे ये उस साइड का आपका टेम्पल बन जाएगा। चौथा है राइडिंग बो टेम्पल। राइडिंग बो टेम्पल इसके लिए कहा जाता है, ये जनरली आपके प्लास्टिक्स में पाया जाता है। यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग है वो एक सीएबी मटेरियल या फिर एसीटेट मटेरियल से बना होता है और एंड में एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक यूज़ किया जाता है जो कि आपके कान के आसपास एक टाइट हुक के जैसा बैठ जाएगा। ये जनरली हम छोटे बच्चों के फ्रेम्स में यूज़ करते हैं ताकि चश्मा इजीली नीचे की तरफ ना आए। एंड फाइनली आपका कंफर्ट केबल जो कि एक मेटल टेम्पल होता है, यहाँ पर बहुत ही थिन और बहुत ही ड्यूरेबल मेटल को यूज़ किया जाता है जो कि आपका फ्लेक्सिबल हो, सो इजीली आपके कान के पीछे ये हुक हो जाता है। अब लास्ट हम बात करेंगे रिमलेस फ्रेम फ्रंट की। रिमलेस के फ्रेम फ्रंट में जो पार्ट्स होते हैं, एक रिमलेस के फ्रेम में अगर आप कभी भी देखेंगे तो ये पार्ट्स आपके पाए जाते हैं। यहाँ पर इस पार्ट को कहा जाता है स्ट्रैप एरिया, जहाँ पर कि आके आपका स्क्रू या फिर आपका प्रेशर प्लग कनेक्ट होता है आपके टेम्पल से। उसके साइड में एक मेटल की जो प्लेट होती है उसे हम जनरली कहते हैं शू या फिर शोल्डर, और उसके साइड में एक होती है स्प्रिंग जिसके वजह से आपका लेंस जो है प्रॉपरली रहे और उसमें कोई चिप ना आए। इस फ्रंट पार्ट को कहा जाता है ईयर या फिर टंग, और इस पूरे पार्ट को हम जनरली कहते हैं फ्रेम फ्रंट फॉर अ रिमलेस, क्योंकि रिमलेस में कोई फ्रेम फ्रंट होता ही नहीं है, इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है आपका रिमलेस फ्रंट कहा जाता है। अभी जो आप न्यू रिमलेस देखोगे वहाँ पे आपको शायद इतने पार्ट्स ना मिले, वहाँ पर आप जो देखोगे वहाँ पे एक ईयर या फिर टंग प्रेजेंट होता है और आपका जो स्ट्रैप एरिया है वो बहुत ही कन्फाइंड या फिर छोटा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। जल्द ही मिलते हैं वापस एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।